हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। चलिए देखते हैं आज आप दोनों किस एनर्जी में होंगे। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ और आपकी एनर्जी यहाँ पे पिक होगी। अपने जिसके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं उनका नाम ले लीजिए एंड विजुलाइज कर लीजिए उनको। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के एनर्जी और मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी इंसान है उनकी आज की एनर्जी हमें बताएं। मैं इस डेक को रेंडमली दो हिस्से में बांट दूंगी और फिर एक एक हिस्से से आपकी और आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी पिक करूंगी। तो मेरे राइट साइड से इस कार्ड से आपकी एनर्जी पिक करूंगी और इन कार्ड से आपके पर्सन इन योर माइंड जो भी हैं उनकी एनर्जी पिक करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी एनर्जी पिक करने से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की आज की एनर्जी क्या रहेगी। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं किस एनर्जी में है आज मेरे व्यूअर्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द मून एनर्जी हैवी है आपकी तरफ, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ सॉर्ड्स। एनर्जी तो आपकी आज बहुत हैवी रहेगी। आप किसी सिचुएशन में आपने बहुत एफर्ट लगाया है, अगर वो आपके लव लाइफ के लिए हो तो उस लव लाइफ में ही आपने बहुत इन द पास्ट आपने बहुत एफर्ट्स लगाया है, लेकिन उन एफर्ट्स के बदले आपको जो भी मिला है आपके पार्टनर से वो एक हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन है। अभी फ़िलहाल आप हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में हैं और आपने जो ये एफर्ट्स लगाए लेकिन आपको बदले में वो चीज़ वापस नहीं मिला, या आपको धोखा मिला या बिट्रे मिला, जो भी मिला है आपके पार्टनर से, उस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप एक लॉस्ट सा फील कर रहे हैं, स्टक हैं, निकलना नहीं चाहते हैं अब उस सिचुएशन से, या निकलना चाहें भी तो आप निकल नहीं पा रहे हैं, घूम फिर करके वो स्टकनेस, वो सैडनेस आप पे हावी हो रही है। तो एनर्जी आज आपकी हैवी है। नाइन ऑफ सोर्स, आपको हो सकता है कल रात को आप सो भी नहीं पाए हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन से आपको फील हो रहा था। तो आपकी एनर्जी तो आज मुझे हैवी लग रही है। देखते हैं आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी आज की एनर्जी बताएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है द मैजिशियन, ये तो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस लाना चाहते हैं। फाइव ऑफ वांड्स, द स्टार एंड द एम्परर। देखिए आपका जो पर्सन है ये पर्सन मैनिफेस्ट करें आपको, आपको या आप दोनों के रिलेशनशिप को, कुछ भी हो आप मैनिफेस्ट करें। आप जैसे होप छोड़ दिए हैं, आप एक रोतलू सा बने हुए हैं आज के दिन में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत हेवी है। आप इस एनर्जी से निकलने की कोशिश कीजिए। जितना आप दुखी रहेंगे ना आप उतना ज़्यादा सैडनेस अट्रैक्ट भी करेंगे। खुश रहा कीजिए, चेंज कीजिए, अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कीजिए। किसी काम में जो आपको पसंद हो उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए। गाना सुनिए, बहुत वो सैड सॉन्ग्स नहीं, बहुत तड़क भड़क वाले जो गाने होते हैं वो सुना कीजिए। हो सकता है आपकी एनर्जी इससे चेंज हो जाए, ट्राई कीजिए अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए। आपके पर्सन इस तरफ में मैनिफेस्ट करें, आपको बैलेंस लाना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। और फाइव ऑफ वांड्स, हो सकता है ये इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो कि दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है इस टाइप की, या फिर हो सकता है इनके साथ आज किसी की आर्गुमेंट हो। अगर आपके साथ आपके पर्सन जो भी है वो कॉन्टैक्ट में है तो थोड़ा मतलब ज़्यादा इनसे बात, मतलब होता है ना कि वो एक बात बोल रहा है तो आप 10 बात बोल रहे हैं, इस टाइप नहीं, थोड़ा सा आज रिजर्व रहिए क्योंकि आप दोनों में वरना कॉन्फ्लिक्ट होगी। अगर आप दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं है तो ये बम फूटेगा जो भी सिचुएशन में वो है, अगर थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी, या फिर जो भी जहाँ पर भी ये है उनके ऊपर बम फूटने के चांसेस है, क्योंकि एनर्जी आई है फाइव ऑफ वांड्स की, आर्गुमेंट फाइट ऐसा उनके लाइफ में होने के कार्ड्स आए हैं, एनर्जी है। द स्टार विश कर रहे हैं और उनकी कोई विश आज पूरी भी होने वाली है। एम्परर थोड़ा स्टबर्न, थोड़ा लॉजिकली सोचने वाला, इमोशन को सप्रेस करने वाला, स्टबर्न, ईगोइस्ट, इस टाइप की एनर्जी में आज आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है मुझे जो दिखाई दे रहा है आप दोनों के
रिसेंट पास्ट, मतलब एक दो दिन के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसका इफेक्ट मुझे सारे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। जो भी हो, आप अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए। आपका पर्सन तो सोच ही रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं आपके साथ होने की, बैलेंस लाना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो एवरीथिंग विल बी गुड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी एनर्जी चेंज कीजिए एंड टेक केयर। बाय बाय।